आज आपसे क्या सुनाएंगे हमको? मैं क्या सुना सर, मैं तो ना तो गुलकार हूँ ना मतलब किसी किस फील्ड के अंदर। अब पहली दफा सबसे बड़ा खुदा का करम है कि मेरे को जियो ने यहाँ तक बुलाया, इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं हो सकती। अच्छा जिंदगी जिंदगी बीत जाएगी, हमारे जैसे लोग यहाँ तक पहुँचना ये जियो का ही काम। बाकी ये मेरा शौक है, ये मेरा कोई पेशा नहीं है, ये शौक है। शौक खाली पेशा तो वही चीज़ है जो आपको मैंने बताया कि भाई मैं इससे गुजारा करता हूँ, छह बच्चों के साथ हूँ, तो इसी से मेरा दारो मदार। आतम भाई बहुत अच्छा, वेरी नाइस, जान निकाल दी आपने। आतम भाई सुबह कितने बजे काम पे बैठते? मैं काम पे बैठता हूँ 10 बजे 11 बजे। और कितने बजे तक काम करते? मैं 5 साढ़े 5 बजे। फिर बाद में फारिग टाइम में बच्चों को लेकर संगीत करता रहता हूँ। लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाना भाई, वही बात है कि बंदा करे तो क्या करे, चादर ही छोटी है सर्दी तो लगेगी, चादर छोटी। और जी एक काम करते हैं, 2 बच्चों को हम लेते हैं हमारी टीम, हम उनकी स्पॉन्सरशिप देते हैं स्कूल के लिए। 4 को आप लोग माशाल्लाह, वेरी गुड। और 4 को आप लोग ले लीजिए, मिलजुल के इसी तरह से कुछ ना कुछ हो ही जाए। ठीक है आदम भाई, साहिर भाई क्या कह रहे हैं? भाई जो कह रहे हैं सही है, खुश हैं आप? जैसे भाई के हैं, भाई की मदद से यहाँ तक पहुँचा हूँ और हमारे जियो का नुमाइंदा, इनका मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। जितना भी शुक्र अदा करूँ वो मेरे लिए कम है। वाह।
जाता है, कहाँ जाता है, नो नो शोध कर चुका हूं और आगे भी अगर अल्लाह मियां ने जिंदगी दी तो शोध करूंगा। शायद इतनी मेहनत नहीं की जितना अल्लाह मियां ने मुझ पर कर्म किया, मुझ में शायद जरा सी भी सलाहियत नहीं है कि मेरे सामने कोई शख्स भी आके बैठे और मेरे किसी सवाल का जवाब दे। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग बसते हैं और पाकिस्तान में लोग बहुत बड़े, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पानी नहीं है, दाल नहीं है, रोटी नहीं है, पूरे पैसे नहीं है, ख्वाब देखना नहीं छोड़ते, छोटी सी को बात कर दे 10 मरतबा लोगों का शुक्रिया अदा करते, पता नहीं सब कैसे सही होगा पर हो जाएगा ये मुझे पता। आई एम सॉरी अगर मैं इसके बाद इंटरव्यू नहीं कर सकूं। नहीं नहीं आपने तो कर दिया और सब रोने पे मजबूर हो गए। नहीं नहीं इट्स ओके नहीं नहीं थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं भाई बहुत शुक्रिया, खुश रखे प्लीज बैठ। और आपने बहुत अच्छा काम किया, बैठे बैठे आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बैठे। मुझे इस बात का यकीन है कि दो बच्चे इनके हमारे पास होंगे पढ़ने के लिए, चार बच्चे आप लोग दे देंगे, किसी TRP के लिए कोई झूठी कहानी नहीं है। हो सका मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, हो सकता मैंने ये सारी बकवास की और रो पड़ा हूं मैं आपके सामने कि दिल में आपको पता नहीं मेरे लिए क्या पैदा हो जाएगा। ओके, मेरे बारे में अगर आप ये सोचना चाहें सोच लीजिए, लेकिन उसके बाद फोन जरूर उठाइएगा, जियो कॉल जरूर कीजिएगा, हातिम का नंबर हमारे पास, मैं जो भी हूं इट डजंट मैटर, लेकिन हातिम के बच्चों को आपके सपोर्ट की जरूरत है, बस वो कर दीजिएगा। मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं वो कुछ प्लीज हेल्प।